हमास हमले के बाद सभी एयरपोर्ट बंद हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ये बहुत बड़ी खबर है। सेंट्रल और साउथ इजराइल में एयरपोर्ट बंद हो गए। गाजा एयरपोर्ट की सभी सेवाएं निलंबित। ब्रेक करिए राहुल विद द ब्रेकिंग एंड शॉर्ट। हमास में हमले के बाद सभी एयरपोर्ट बंद हो गए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राउंड रॉकेट जो फायर करने जाने वाला वीडियो है वो यहां पर दिखाइए। हमास एयरपोर्ट पर हमले के बाद सभी एयरपोर्ट बंद हो गए, ये बड़ी खबर आ रही है। राउंड ये तस्वीरें आपके सामने, सभी एयरपोर्ट बंद हो गए हैं क्योंकि ये अटैक हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल पर फिलिस्तीन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। ये देखिए गाजा के पास के इलाकों पर रॉकेट से हमला, ये देखिए जरा गाजा के पास के इलाकों पर, गाजा के पास 5 से ज्यादा शहरों पर हमला हुआ है। हमास के टारगेट पर ज्यादातर रिहायशी इलाके, ये तस्वीरें देखिए। अब आप हमले में दर्जनों रिहायशी बिल्डिंग तबाह हो गई हैं। ये तस्वीरें फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइए कुछ क्षणों के लिए। टिकर पे हमारी ब्रेकिंग जरूर ऑन करिए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए इजराइल पर फिलिस्तीन का विध्वंसक हमला, ये देखिए ये बड़ी खबर। मैं जाऊंगा, ये टिकर अपडेट करिए जरा। गाजा के पास के इलाकों पर रॉकेट से हमला किया गया, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा पट्टी में इजरायली इलाकों पर हमास का कब्जा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा, गाजा पट्टी के पास इजरायली बस्तियों पर हमास का कंट्रोल, ये बड़ी खबर है। सीधे राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। गाजा पट्टी पर उनका कंट्रोल हो गया, ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये राहुल जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट्स तैयार करिए, लेकिन उससे पहले सीधे आइए गाजा पट्टी पर, जो जंग चल रही है लड़ाई यहीं से, अगर मैं कहूं ये एपी सेंटर है। सीधे आइए गाजा पट्टी पर जंग, और इसके बाद दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट तैयार रखिएगा, सीधे प्ले ऑन करिए। ये देखिए गाजा पट्टी, अब देखिए क्या है मामला, अब जो डिटेलिंग मैं आपको दे रहा हूं, भूमध्य सागर, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, लेबनन, सीरिया, इजिप्ट, ये देखिए। अब गाजा एरिया जो है 365 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नॉर्थ गाजा, गाजा सिटी, और ये देखिए ये जो मैं डिटेलिंग आपको दिखा रहा हूं वेस्ट बैंक, ये पूरा इलाका है। ये सीधे आइए दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए, और सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, क्विक अपडेट, क्या हालात है वहां पर? देखिए बिल्कुल आपने निशान जिस तरीके से बताया कि करीबन 21 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर लगातार हमास ने कैप्चर कर रखा और बहुत मजबूत स्थिति में है। अब इजरायली फोर्सेस की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, लगातार आईडीएफ की तरफ से अपने जो सोल्जर्स हैं उनको मूव किया जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने ना सिर्फ इस जगहों पर घुसपैठ कर ली है बल्कि उनके पीछे एक बड़ा मास मूवमेंट है, बड़ा मासेस जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं लोकल्स, और उन्होंने कई ऐसे पॉइंट्स को खोल दिया जहां से लगातार। जस्ट होल्ड योर थॉट, आपकी एक बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, जितने भी दर्शक है हमारे, आज की सबसे बड़ी और फुल एंड फाइनल की एक्सक्लूसिव स्टोरी सुमित के हवाले से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमास के हमले में एक्सक्लूसिव खबर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हमास हमले का मिला था इंटेलिजेंस इनपुट, ये बड़ी खबर है। सितंबर में मिली थी हमले की इंटेलिजेंस। ब्रेक करिए, हमास ने सितंबर में ही किया था हमले की तैयारी। ब्रेक करिए, ये बड़ी खबर है। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा नॉर्मल, हमास के हमले पर एक्सक्लूसिव खबर, इंटेलिजेंस इनपुट था, सितंबर में मिली थी हमले की इंटेलिजेंस। ये देखिए हमास ने सितंबर में ही किया था हमले की तैयारी, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सुमित के पास, सुमित ये बहुत बड़ी खबर है। अब क्या मैं समझूं कि दुनिया में इंटेलिजेंस शेयर करने वाला इजराइल
अपनी इंटेलिजेंस को नहीं इनैक्ट कर पाया, उस पर रिएक्ट नहीं कर पाया। देखिए निशान, जब भी इंटेलिजेंस की बात होती है, स्पाइंग की बात होती है, फिर ऐसी काउंटर मेजर्स की बात होती है, ये अल्टीमेट नेम, इजराइल का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। लेकिन पिछले एक महीने से मल्टीपल टाइम्स इजराइल की एजेंसीज को ये इनपुट मिले कि हमास अपने आप को रिवाइव कर रहा है, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि हमास ना सिर्फ रिवाइव कर चुका है बल्कि गाजा पट्टी के आसपास के इलाकों में बड़े तौर पर आर्म्स एंड एम्यूनेशन इकट्ठा कर चुका है, एक मास मोबिलाइजेशन कर चुका है, और ये स्ट्रैटेजीज लगातार हमास ने बहुत लंबे समय से डेवलप कर ली थी। तो ये ना सिर्फ फेलियर इजराइल के लिए बल्कि काउंटर मेजर्स जो इजराइल अपनाता है हमेशा तुरंत जो क्विक होते हैं, क्विक रिस्पांस, उसमें भी इजराइल फेल हुआ। कई घंटों तक इजराइल की सेना या फिर इजराइल की फोर्सेस और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज उन इलाकों तक नहीं पहुंच पाए, वहां की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। तो यही वजह है कि इसको इजराइल ने एक ऑपरेशन नहीं, एक वॉर के तौर पर देखा है, क्योंकि इजराइल अब यह जानता है कि अगर इसराइल को आगे बढ़ना है तो अब फुल फ्लेजेडली इन इलाकों को साफ करना होगा, और इसराइल अगर अब इन इलाकों में पकड़ बना भी लेगा तब भी इसराइल के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक होगा, एक बड़ा फेलियर है, और इसराइल एजेंसीज अब इसको समझ रही हैं और अब इन इलाकों में बड़े एग्रेसिव ऑपरेशंस की शुरुआत हो चुकी है। निशान, आप जो बता रहे हैं दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए सीधे, चलिए मेरे साथ अनुज सर मौजूद है। अनुज सर, माफी के साथ आपको बता रहा हूं कि मैं देर से आ रहा हूं आपके पास, लेकिन सर दिस इज रियली बिग, इसराइल के ऊपर अटैक अनप्रेसिडेंटेड है। हम सब जानते हैं ये टेम्परेरी है, इट इज स्प्लैश इन द पैन। जो इसराइल रिएक्ट करेगा वो वर्ल्ड ओवर करेगा, लॉन्ग टर्म बेसिस पे करेगा और बहुत पूरी फर्मनेस के साथ करेगा, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा मैसेज है सर? निशांत, ये बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज। पार्डन मी, बट लेकिन मैं इस इंसिडेंट को, मैं इस इंसिडेंट को इजराइल का 9/11 के तौर पर देख रहा हूं। डू यू एग्री विद दिस? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली आई एग्री। और अमेरिका का 9/11 पूरी तरह सरप्राइज था, इसराइल के 9/11 में उनके पास खबर थी कि 9/11 शायद जैसी चीज होने वाली है और वो फिर भी रिएक्ट नहीं कर पाए। उसकी मैं वजह बताता हूँ, उसकी वजह ये थी कि इजरायली इंटेलिजेंस इसलिए नहीं फेल हुई कि उनको मालूम है कि अटैक होने वाला है, उनको उस अटैक की इंटेंसिटी, उस अटैक की जितनी ब्रॉड फ्रंटेज और उसकी डेप्थ जो थी उसके बारे में इंटेलिजेंस सही नहीं मिल पाई। इट्स अ ब्लैक सैटरडे, सही नहीं मिल पाई। इट्स अ ब्लैक सैटरडे फॉर इजराइल, अगर मैं कहूं तो सर। यस यस, ओके, बी विद मी सर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अब लुक एट द पेनिट्रेशन, पूरी दुनिया में इसराइल की जो धाक है उसको सबसे बड़ा झटका लगा है हमास के हमले में तबाह इजरायली टैंक। विद द वीडियो, ये देखिए जरा, गाजा पट्टी बॉर्डर पर टैंक पे लगाई गई आग, ये देखिए जरा, दिखाइए जरा। और यहां पर बताया जा रहा है कि इसराइल के सोल्जर को अंदर से निकाल के मारा गया है, ये इंफॉर्मेशन CNN दे रहा है। टैंक पर जश्न मना रहे हैं फिलिस्तीनी लड़ाके, ये देखिए तस्वीरें अब आप, गाजा पट्टी बॉर्डर पर फिलिस्तीनियों का जश्न, ये देखिए जरा, ये मेजर अटैक किया गया। प्लीज लोकेशन जरूर मेंशन करें, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसराइल का टैंक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, अब बड़ी खबर, इसराइली बॉर्डर पर हमास का बड़ा हमला, ये देखिए, सीधे आइए, ब्रेक करिए, हमास के लड़ाकों ने बॉर्डर पर फेंसिंग को तोड़ा विद द स्टिल्स, ये देखिए जरा, इजरायली टैंक पर हमास का कब्जा, इजरायली टैंक ब्रिगेड को बनाया निशाना, ये देखिए फेंसिंग को तोड़ दिया इन लोगों ने, ये तस्वीरें वाकई में परेशान, ये देखिए, ये है वो वीडियो जब इजरायली सैनिक को अंदर से घसीट के बाहर निकाला गया, ये है वो वीडियो जो मैं आपको बोल रहा था, ये देखिए जरा, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को बाहर निकाला, ये देखिए कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। मैं चाहूंगा राहुल ये तस्वीरें मत दिखाइए,